मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो रहा है। पांचवें खेलो इंडिया की मेजबानी में मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 27 खेल प्रतियोगिताएं होगी। खेलो इंडिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को भोपाल के शौर्य स्मारक से मशाल और खेल के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया था। उसी तारतम्य में केनो सलालम की मेजबानी के लिए महेश्वर को चुना गया है, क्योंकि कसरावत तहसील के ग्राम बोथू नर्मदा तट पर केनो सलालम का नेचुरल ट्रैक मौजूद है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अधिकांश केनो सलालम ट्रैक बनाए जाते हैं, लेकिन ये पहला ट्रैक है जो प्राकृतिक रूप से बना है, इसलिए केनो सलालम के खिलाड़ी यहां खींचे चले आते हैं। खेलो इंडिया की तैयारियों को लेकर आज खरगोन कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने SDOP मनोहर गवली एवं कर्मचारियों के साथ नर्मदा तट बोथू स्थित केनो सलालम के नेचुरल ट्रैक एवं ट्रैक पर पहुँच मार्ग का निरीक्षण पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमें खेलो इंडिया की मेजबानी का अवसर मिला है। साथ ही कसरावत महेश्वर दोनों को नर्मदा तट पर बसे होने से भाग्यशाली बताया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। गौरव का विषय है तो उसकी तैयारियों के संबंध में एक मौके पर आके देखने की बात थी, और चूँकि 6 और 7 को एक कार्यक्रम है तो तैयारियाँ अभी चलेगी। सड़क थोड़ी सी खराब है, उसको भी रिपेयर कराया जाएगा और बाकी व्यवस्थाएं सब समय के पहले हो जाएंगी, उसी का एक निरीक्षण था। सर, महेश्वर को नर्मदा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कसरावत के लिए एकमात्र ट्रैक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसमें कसरावत को कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है इसके लिए? कसरावत महेश्वर सब इसी जिले के पार्ट हैं, कोई अलग थोड़े हैं। तो कसरावत महेश्वर में दूरी क्या है, तो नर्मदा के दोनों तट पर 2 शहर हैं और दोनों सौभाग्यशाली कस्बे हैं जो माँ नर्मदा के तट पर हैं। क्योंकि सर जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक है और कसरावत के साइड में, देखिए एक धीरे धीरे पहचान बनेगी ये प्रतियोगिता के बाद से, निश्चित तौर पे पहचान बनेगी, और जब पहचान बनती है तो फिर बाकी सुविधाएं अपने आप होती हैं। जैसे आज वो सड़क का हमने देखा, क्योंकि सड़क का उपयोग नहीं होता, नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, तो भविष्य में वो सड़क भी बन जाएगी अच्छी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।